हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग पब्लिक। आज का सीन ऐसे है कि टुडेज व्लॉग इज़ ऑल अबाउट रोटी 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 रोटी। ये रोटी कौन खिला रहा है, ये रोटी हम क्यों खा रहे हैं और स्पेशल एक रोटी खाने के लिए मैं हरिपुर जा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ चल के बताऊंगा। अभी इस टाइम मैं फुल पैक हो चुका हूँ क्योंकि आज मैंने जाना है बाइक पे, ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए रिस्क बिल्कुल नहीं लेने का और जाना है बाइक पे, तो फुल पैक होके जाने का। तो पहुंच चुके हैं अपनी यूनिवर्सिटी की पार्किंग में और एज एक्सपेक्टेड बाल जो है मेरे बिल्कुल फारिग हो चुके हैं, इसलिए मैंने कैप लाया था, मैंने कैप पहन ली है। बाकी आपको मैं ज़रा पार्किंग दिखाता हूँ। ये है जी शानी साहब का बाइक और ये है जी पूरी दुनिया के बाइक। अच्छा यार, सबसे पहले तो तुम्हें मैं खाने के बारे में डिटेल बताऊँ, तो खाने का सीन ऐसे था कि हम इंटरकॉलेजिएट के फाइनल में पहुँचे थे और हमारे जो सर हैं इन्होंने बोला था कि अगर आप लोग फाइनल में पहुंच गए, जीते ना भी अगर आप लोग फाइनल में पहुंच गए तो तब भी आप लोगों को मेरी तरफ से शनिवारी है। तो सीन ऐसे है कि फाइनल हम जीते जीते ही हार गए, लेकिन हम एटलीस्ट फाइनल में पहुंचे थे। उसके बाद थोड़ी टाल मटोल हो रही थी और सब हिम्मत हार चुके थे, फिर एक मर्द मुजाहिद उठा और उसने आवाज़ उठाई और फाइनली ये सारा सीन पॉसिबल हुआ। भाईजान, इस खाने के बारे में आपका क्या कमेंट है बताओ? कमेंट ये है कि यार काफ़ी अरसा हो गया, लाले ही लगा रहे हैं आप हमसे, बस आप किधर, मेरी वजह से तुम लोग खा रहे हो। अच्छा सर, आपका क्या कमेंट है? सर मेरा सचिव साहब बड़ी अरसे से मुंह में वो शनवारी का टेस्ट घूम रहा था। अच्छा, आज वो इंशाल्लाह पूरा होगा आपकी वजह से। क्या बात है, क्या बात। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था भाई। इस खाने के बारे में आपका क्या कमेंट है? इस खाने के बारे में कमेंट ये है कि सुबह मैंने नाश्ता भी नहीं किया और ये जो मेरे साथ दो तीन भेड़िया खड़े हैं इन्होंने भी खाने हैं इंशाल्लाह, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। व्हाट भेड़ियों ने खाने हैं भाई, आप बताओ। मास्क उतारो, जनानी ने बनो मास्क, मुझे दो फिर पहले वो आंखों पे मास्क पहनो। आप समझ रहे हो, समझ रहे हो, आप समझ रहे हो यार। पता है क्या सीन है, मुझे जब पता लग गया कि सर खाना खिला रहे हैं, तकरीबन मैंने हफ्ता एक हो गया खाना नहीं खाया, तो अब मेरी ये शिद्दत हो गया भूख से कि मैं अब चल नहीं सकता। भाई आप बताएं, आप कमरे में जा रहे हैं? इनका तो हफ्ता हुआ, मेरा महीना हो गया। अच्छा सर आप बताएं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का नाश्ता भी किया, लेकिन हम स्पोर्ट्स मैन है, हम जिस टाइम भी बोलोगे हम खाएंगे, दबा के खाएंगे। थैंक यू भाई। आप इस खाने के बारे में क्या कहना चाहोगे? यार खाने के बारे में दो महीने हो गए नारे लगाए हुए सर ने। तो ये किसकी वजह से ये प्लान पहुंचे अपने इख्तिताम तक? यार ये शानी की वजह से यहाँ तक पहुंचे। सर के पीछे पड़ा होता आखिरकार सर ने बोला मैं खिला रहा हूँ। ये इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, ये शानी की रातों का असर हमें मिल रहा है। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। शानी भाई जल्दी जल्दी कर, सो यकीन कर बहुत बड़ी लगी है। शानी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी इंटर कॉलेजिएट में, आप फाइनल में। थैंक यू भाई। सर ने उसकी वजह से हमें ये ट्रीट दे रही है। इंटरवर्सिटी में भी हमने अच्छा परफॉर्म किया था बाय डिफॉल्ट, तो फाइनली वो बंदा भी मिल गया और वो दिन भी आ गया जिस दिन हम फाइनली शनिवारी खाने आ चुके हैं। जी हाँ जी, हमारे प्यारे सर जी। सर बताएं इतना डिले क्यों है सर? ये वजह यही थी ना कि आजकल जो है ना सर्दी ज़्यादा है और सर्दियों की वजह से जो है ना दुम्बे कम पड़ गए थे, तो ये हम लेके आए एक और जगह से आप लोगों के लिए। तो हमें पता लगा कि आप हमें गोलियां कराते हैं, ऐसी बात तो नहीं है? नहीं ऐसी बात तो हो ही नहीं सकते यार। की बात है, आप मेरे बेटे हो सर, झूठ कभी बोलते ही नहीं। बस देख लो जो भी बात है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन वाले ग्रुप बस ये फुल एंड फाइनल है। देर आए दुरुस्त आए, जैसे भी है फाइनली मिल गई है और अभी हम इसे एंजॉय करें। I'm not afraid to die.
ओके भाई अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा तो यार तुम लोग भी सोच रहे होगे कि लड़की के साथ प्रैंक हो गया, छिनवारी का बोल के इनको कढ़ाई खिलाई गई है। असल में सीन ऐसा है कि हरिपुर के डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से मंगल और बुध वाले दिन वहाँ पे छोटा गोश्त अवेलेबल नहीं होता। छिनवारी आपको पता है किस गोश्त की बनती है। एंड सेकंड जो चीज़ थी, हमारा दिन मंगल का डिसाइड हुआ था क्योंकि बिजी रेस थे, कभी लड़के नहीं फ्री कभी शहर नहीं फ्री, इसी टाल मटोल में इसको लंबा कर रहे थे सारे। तो बेसिकली जो मेन चीज़ होती है वो एक जगह बैठना होता है, इन्जॉय करना होता है पूरे इवेंट को। मेन चीज़ तो यही होती है, बैठना होता है, गैदरिंग होती है जिसमें हम सारे बैठते हैं इन्जॉय करते हैं, और यही होता है। खाने पीने के तो वैसे भी हम शौकीन ही हैं, एटलीस्ट फिर भी वो शिनवारी कढ़ाई थी, बहुत मज़ा आया खा के। थैंक यू टू सर अहमदाज जिन्होंने हमें खिलाई। और मतलब यही था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को व्लॉग आया होगा पसंद। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को करना है लाइक, एंड नीचे कॉमेंट्स में बताना है आपका फेवरेट पार्ट या आपकी फेवरेट डिश कौन सी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।